जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। मैं हूँ जयश्री पवार और मैं आज आपके लिए लाई हूँ बिल्कुल नया वीडियो। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। आज सभी को रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हमारे यहाँ पे हमने पूजा तो नहीं की है क्योंकि हम लोगों को सूतक है इसीलिए, लेकिन हमारे खेत में आज हम रामफल को हार्वेस्टिंग करने वाले हैं और ये इस साल के लास्ट ईयर मतलब लास्ट वाले हैं। और देखो मैंने कैच भी कर लिया, ऊपर से फेंका है तोड़ के। ये बहुत बड़ा पेड़ होता है ये रामफल का और इसमें बहुत सारे आए थे और अभी ये सब ख़त्म होने का है। लेकिन आज रामनवमी है इसलिए हम लोगों ने पूजा तो नहीं, लेकिन अभी रामफल को तोड़ रहे हैं और ये बहुत खाने के लिए अच्छा होता है, स्वाद में भी अच्छा है, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और बहुत सारे हैं। और आज हम हार्वेस्टिंग करेंगे इसकी। और वे नीचे गिर गए ना तो ये पकते नहीं है इसीलिए इसे कैच करना पड़ता है, क्योंकि ये यदि मट्टी पे या गिर जाए या पत्थर पे लग जाए तो टूट फूट गए तो ये पकने की जगह सड़ जाते हैं कौन सा भी फल हो, इसीलिए इसे कैच करना बहुत ज़रूरी है। और ऊपर से जो फेंक रहे हैं उसको पूरे कैच करना है, लेकिन वो कैच मेरे से छूट ना जाए इसलिए मैंने कुछ साड़ी के पल्लू में लिया और कुछ मैं भी तोड़ रही हूँ नीचे से, क्योंकि मैं ऊपर के खेत में हूँ और पेड़ नीचे से, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पेड़ के नज़दीक हूँ इसलिए मेरा हाथ जहाँ तक जाता है वहाँ तक मैं खुद तोड़ूँगी। और अभी ये रामनवमी के बाद ये पूरे ख़त्म होने को आए और अभी ये साग छोटे बड़े सब पक रहे हैं इसीलिए अभी जो जो मिले वो हम तोड़ लेंगे। और ये बहुत डंठल में टाइट होते हैं, तोड़ने में भी तो बहुत पक्के होते हैं और अभी बहुत सारे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी हम कोई फ्रूट्स तोड़ते हैं तो, क्योंकि वो फ्रूट्स खाने की बजाय तोड़ने में और उसे पेड़ से नीचे उतारने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वो पौधा आसानी से हमको देता ही नहीं है, बहुत मेहनत कराता है और मेहनत करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए मैंने ये हार्वेस्टिंग कर रही हूँ यहाँ पे। आज रामनवमी की पूरे इंडिया में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है हर साल, लेकिन इस साल कोरोना के वजह से सब अपने अपने घर में रामनवमी सेलिब्रेट कर रहे हैं और पूजा शांति अपने अपने घर में ही कर रहे हैं, इसीलिए ये अभी यही सही है क्योंकि कोरोना और लॉकडाउन फिर से पिछले साल की तरह हो गया है। और मेरे सिटी में तो अभी बहुत कड़क लॉकडाउन हो गया है फिर से और गांव में सब जगह पे बहुत मतलब घर से बाहर निकलना बिल्कुल भी बंद कर दिया है, लेकिन हम लोग खेत में आ सकते हैं, घूम सकते हैं, इसीलिए देखो ऊपर तक बहुत अच्छे से आए और कितने लाल लाल है, ये बहुत जल्दी पक जाएगा और मुझे लगा था मैं छूट जाएगा लेकिन मेरे से कैच हो गया और ये बहुत अच्छा बढ़िया था क्योंकि अभी बहुत अच्छे अच्छे मौसम, इससे बहुत बड़ा था ये पहले, मतलब 1 किलो तक का एक था लेकिन वो अभी ख़त्म हो गए और अभी ये लास्ट बचा है, अभी इसके बाद इसके ऊपर कोई नहीं, अभी नए साल में आएंगे फिर से। और ये पूरा पौधा देखो आप कितना बड़ा है और मेरे हाथ भी जा रहा है क्योंकि मैं दूसरे खेत में हूँ ऊपर, मतलब उसके हाइट के बहुत नज़दीक आ गई फिर इसीलिए। और मैं अभी पल्लू से नहीं, मेरे प्रैक्टिस हो गई, अभी मैं हाथ से कैच ले रही थी और गिरने भी आई थी वो ऊपर देखते देखते। और अभी यहाँ से बहुत सारे लेकर जाएंगे ताकि वो, क्योंकि वो एक ही दिन में नहीं पकते, थोड़े थोड़े दिन में, मतलब आज एक दो पके फिर बाद में। और ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से आते हैं और नेचुरल तरीके से ही पकते हैं तो बहुत टेस्टी भी होते और हेल्दी भी होते। और मुझे आप लोगों से जानना है कि आपने रामनवमी की पूजा कैसे की, कौन कौन अपने अपने सिटी में गांव में करते हैं ये पूजा, ये सब बताना मुझे कमेंट में। और अभी हमारे यहाँ पे हमारे दूर के मतलब हमारे नज़दीक की बोलना पड़ेगा क्योंकि अभी वो कोरोना से ही उनकी डेट हो गई है तो इसलिए हम लोगों को पूजा वगैरह कुछ चलता नहीं था, इसीलिए हम लोगों ने आज कोई पूजा नहीं की है, बस ऐसे हाथ जोड़ के प्रे किया है भगवान से कि ये कोरोना को अभी बहुत जल्दी ख़त्म कर दो पूरी दुनिया से,
क्योंकि इसके वजह से हर कोई डिस्टर्ब है, हर घर में हर बच्चा हर इंसान परेशान हो चुका है अभी, और इसकी वजह से ही ये सब हो रहा है। तो अभी मुझे तो बहुत सारे मिल गए, ये मैंने पूरे इकट्ठा किए, और मैं कुछ लाना भूल गई क्योंकि हम लोगों ने सोचा नहीं था कि अभी हम इधर के खेत में आएंगे और ये तोड़ेंगे। और हमारे अंकल ने बहुत पेड़ पे जाके तोड़े, मैं खुद इस पेड़ पे चढ़ जाती लेकिन वो मैं साड़ी पे थी ना, इसीलिए मैं ड्रेस पहनी होती तो मैं चुटकियों में ऊपर जाती, वो भी लास्ट तक। लेकिन अभी इनको ही थैंक यू बोलते हैं क्योंकि इनकी वजह से हमें बहुत सारे मिले, और इन्होंने देखो पूरे खीसे भर भर के लिए, और मुझे ऐसे ही साड़ी के पल्लू में अभी उठाना पड़ा और फिर यहाँ से जाएंगे। मैंने बोला था ना कि मैं ऊपर के खेत में और वो नीचे खेत दिख रहा है, और अभी जवारी भी बहुत बढ़िया से आ गई है, और अभी इसको मैं यहाँ पे था हमारा स्कार्फ उसमें बांधेंगे अभी, और यहाँ से फिर लेकर जाएंगे घर की ओर। और अभी मैंने इसमें पूरे के पूरे डाल दिए, और ये जब पकेंगे ना, पके हुए बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, तो आप भी ज़रूर खाना क्योंकि ये बहुत टेस्टी होता है। और सीताफल भी मुझे बहुत पसंद है, रामफल के साथ सीताफल भी हमारे यहाँ पे बहुत आते हैं, और मैंने उसके भी वीडियो शेयर किए हैं आप लोगों के साथ। और जाते जाते फ्रेश वाला कड़ी पत्ता भी लेके जाते हैं ताकि घर में जाने के बाद सब्जी में यूज़ कर सके। और ये गेहूँ के ऊपर के जो नोक दिख रहे हैं आपको, ये बहुत नोकीले होते और कितने डेंजरस दिखते हैं। देखो यदि ये गले में अटक जाए ना तो बहुत प्रॉब्लम आती है, इसीलिए उसे पूरे साफ सुथरा करके गेहूं को फिर पिसाते हैं। और अभी ये ज्वारी का खेत देखो, हरी हरी ज्वारी ये लास्ट में डाली थी इसीलिए बहुत सुंदर सी है। और इसको भी चूल्हे में भून के खाएंगे ता बहुत अच्छा लगता है। ये ज्वारी और गेहूं का भी ऐसे बनाते हैं, हुरड़ा बोलते हैं हम लोग इसको, हुरड़ा, ज्वारी का हुरड़ा खाने में बहुत मज़ा आता है। और यहाँ से ऊपर की ओर मुझे चढ़ना नहीं आ रहा था, फिर मैंने भाभी को हाथ दिया और भाभी मेरी कैमरामैन थी और फिर ऊपर आ गई। और यहाँ से जाएंगे अभी, और खेत हमारे ऐसे ही ऊपर नीचे है, बहुत छोटे छोटे से है लेकिन बहुत सारे मेहनत करने के बाद फल देते हैं तो बहुत अच्छे है। और अभी यहाँ से हम ज्वारी भी तोड़ेंगे और बाद में घर की ओर जाएंगे, और पूरे खेत का हम मायना देखते रहते हैं। और अभी कृष्णा अदिति हमारे साथ जाएंगे घर पे, लेकिन उनको अभी भी घर पे नहीं जाना था, वो बोल रहे थे अभी हमें आम भी लेने, लेकिन आम अभी तोड़ना नहीं, सुबह लेके जाएंगे फ्रेश फ्रेश में, क्योंकि अभी शाम होने को आई है और हमें आम की सब्ज़ी सुबह बनानी थी, तो क्यों रात भर उसे ऐसे ही रखे। हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश ही लेते हैं क्योंकि जितना आप खुद समझना कि जो फ्रेश चीज़ें होती है और उसमें एक दिन के बाद जो खाते हैं उसमें उसके टेस्ट में बहुत अंतर आ जाता है। आपको कभी मिले तो आप खुद ट्राई करना कि मैं सही कह रही हूँ या गलत। और फिर हम घर पे आ गए, बहुत सारा सामान लेके आए, जैसे कि हम लोग मार्केट में जाते हैं ना कुछ लाते ही लाते हैं, उसी तरह से हम जब खेत में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर से मिल ही जाती, इसलिए खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं स्कार्फ लेके गई थी लेकिन वहाँ पे मैंने रख दिया था फिर ऊपर, क्योंकि हमारे खेत हमें खाली हाथ लौटने ही नहीं देते, बहुत कुछ देते हैं, इसीलिए हम लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं खेत। और देखो मैं कितनी सारी चीज़ें लाई, और वो भी मैंने कुछ भी बिना पैसे दिए, और वैसे भी मैं बहुत कंजूस हूँ, जब भी पैसे देने की बात आती हूँ मैं नहीं देती हूँ, जो छोटे छोटे होते हैं उसी में मैं यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। हम फिर मिलेंगे ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।